अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना शेख। मेरे चैनल टेस्ट का ख़जाना में आप सबका स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी, जो बनने के बाद बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये मैंने नेनुआ को ले लिया, अच्छी तरह से इसे धुल लिया है। अब मैं इसको छीलूँगी। इसका सारा छिलका उतारने के बाद इसको मैं पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको छील लिया। अब इसे मैं काट रही हूँ। इस तरह से सारे नेनुआ को मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। ये देखिए, सारा नेनुआ अच्छी तरह से कट चुका है। इसी तरह से आपको काटना है। मैं नेनुआ में चना डालकर बनाऊंगी। ये है चना, तो इस चना को मैं नेनुआ और चना को दोनों साथ में डालकर बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा बनता है ये। और ये मैंने लिया है मसाला, ये है दो प्याज है, दो टमाटर, एक टुकड़ा अदरक का और लहसुन। इसको मैं काट लूँगी और इसे मिक्सी में इसको पीस कर अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार करूँगी। और ये अब मसाले हैं, तो मैंने लिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भरकर पीसी लाल मिर्च है, ये गरम मसाला और एक चम्मच आएगा इसमें ये सब्ज़ी मसाला है और धनिया पाउडर। इतना मसाला इसमें डालूंगी। अब मैं गैस ऑन करके रखूंगी कढ़ाई, कढ़ाई गरम होने के लिए। और एक तरफ मैं पैन रखती हूँ, इसमें डालूंगी चना। चना को मैं उबाल कर उसमें सब्ज़ी में डालूंगी। तो चना डाल दिया, इसमें आधे लीटर के लगभग पानी में डाल के रख दूंगी उबलने के लिए। इसे 5 मिनट सिर्फ उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। अब कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, तेल भी गरम हो गया। अब इसमें मैं तड़के में मेथी दाना डालूंगी। जब मेथी दाना चटकने लगे तब इसमें मैंने लिया है कुछ लकड़ी, वो दालचीनी है, 2-3 तेज़पत्ते और बड़ी इलायची। जब मेथी दाना अच्छे से पक जाए तो उसमें इन खड़े मसालों को मैं डाल दूँगी। अब मेथी हो चुका है, अब इसमें मैं तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची को डाल दूँगी। इसके बाद मैंने जो मसाला पीसकर तैयार किया था, लहसुन अदरक टमाटर का जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, अब इस पेस्ट को मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं लीड लगा दूँगी। फिर उसके बाद एक 2 मिनट के बाद मैं फिर इसको ढक्कन हटाकर इसमें फिर मसाले डालूंगी। ये मैंने ढक्कन खोला, ये देखिए मसाला हल्का सा भून ले। बस इसी तरह चलाते हुए अब इसमें डालना है। अब इसमें जाएगा ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला। इसी तरह अच्छे से चलाकर हम इसको कुछ देर के लिए बंद कर देंगे और बीच बीच में हमें चलाते रहना है मसालों को। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका। अब इसमें एक बड़े साइज़ का आलू मैं काट कर डाल दे रही हूँ। फिर ढक्कन लगा देंगे।
अब मैं इसमें चना है, ये उबला हुआ चना है, इन सबको डालकर मिक्स करना है। ये है देखिए नेनुआ, अब इसको सब को मिलाकर अच्छे तरह से मिक्स करके फिर इसमें नमक डालकर हम ढककर लगा देंगे। इन नेनुआ को कुछ लोग तो रोई भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए हमें कि आप लोग के यहाँ इसे क्या बोला जाता है। इसे मैंने डाला हाफ टी स्पून नमक डाला, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें मैंने कुछ भी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, नेनुआ से खुद पानी निकलता है। और ये देखिए अच्छी तरह से मिलाकर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट लगेगा पकने में, और बीच बीच में हमें चलाते रहना, इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है पक कर के। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए आप लोग भी घर पे अपने ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनता है, इस तरह से बनाइए। ये देखिए आलू भी बिल्कुल पक चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी है बन कर के। तो फिर बताइए, आप लोग बताइए क्या कि ये हमारी ये सब्ज़ी आप सबको कैसी लगी। अगर हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।